क्षेत्रीय बैठक करने आए केंद्रीय मंत्री यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकार किया कि आने वाले चुनाव में महंगाई और पेट्रोल की कीमत मुद्दा रहेगी, लेकिन जनता हमारी नियत को जानती है। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से कोरोना काल में काफी वर्क करना पड़ा और दूसरी वजह इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों से दाम भी बढ़े हैं। ये बात सही, आपने सही विषय उठाया। ये महंगाई लोगों को चुभ रही है, सभी लोग उसमें से चिंतित हैं, सरकार भी उसमें चिंतित है। लेकिन मैं मित्रों एक विषय उल्लेख करना चाहूंगा, ये कोरोना के उपरांत जिस प्रकार की, क्योंकि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमको बाहर से आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, 80% हम अपने आवश्यकता को बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। इंपोर्ट की मूल्य बढ़ने के कारण ये इस प्रकार की एक, मैं मानता हूं मेरे जितने पिछले 7 साल में अनुभव रहा है, एक अस्थाई, क्योंकि पिछले 2 साल में पेट्रोलियम सेक्टर में विश्व भर में उत्पादन के लिए जो निवेश होनी चाहिए था वो नहीं हो पाई है, क्योंकि सब कुआं से तेल आती है, नया कुआं नहीं आएगा तो पुराने कुएं से तेल खत्म होती है। उस निवेश और स्थिरता के कारण एक अस्थाई महंगाई बनी है। मैं मानता हूं धीरे धीरे उसमें से हमारी विभाग की, पेट्रोलियम विभाग और विदेश विभाग उत्पादनकारी देशों से ओपेक में निरंतर बात करती है, ये विषय सुधरनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, हमारे देश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता बने उसके लिए भी बड़ी